नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें हम जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। और पिछले दो कार्यक्रमों में आपने नौतनवा के नगर पंचायत अध्यक्ष के बातों को सुना और ये जाना कि कोरोना काल में एक जनप्रतिनिधि के तौर पर कौन सी जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्होंने किया। आज हम हैं महाराजगंज जनपद में और आज हम हैं एक भूतपूर्व सैनिक के साथ, एक भूतपूर्व प्रधान के साथ और यूं कहें तो एक भावी प्रत्याशी के साथ, जो विधानसभा सिसवा से अपने लिए एक जमीन तलाश रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों के रूप में जिस तरह से समाज की सेवा की जा सकती है, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जैसे लोगों के बीच जाया जा सकता है, वैसे हम समाज के लिए काम करें। इनके बारे में व्यक्तिगत जब हम लोग छानबीन कर रहे थे, हमारी टीम ने जब जाना तो पता चला कि ये पूर्व में प्रधान थे और इन्हें लोगों ने प्रधान चुना था, खुद से चुना था और इस बार भी इस प्रधानी के चुनाव में इनके समक्ष इस तरह के विचार आए थे कि ज़बरदस्ती इन्हें प्रधान बनाने की कोशिश की जा रही थी। अभी कुछ दिनों पहले ही समाजवादी पार्टी की एक संगठन साहू समाज ने इन्हें अपना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है और जिसको लेकर पूरे महाराजगंज जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में इनके स्वागत समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारे साथ हैं गौरीशंकर गुप्ता जी, जो एक तरह से एक भूतपूर्व सैनिक, पूर्व प्रधान, एक बिजनेसमैन और एक नागरिक के तौर पे हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। आप बताइए कि आपके राजनीतिक जीवन की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मैं गौरीशंकर गुप्ता, राजनीतिक जमीन जो शुरू हुई है वो हमारी जो है आज से 8 साल पहले है। मैं पहले जो है आर्मी में मैं था, आर्मी से रिटायर होने के बाद 2003 में मैंने रिटायरमेंट हुआ, होने के बाद मैं चला गया लुधियाना। लुधियाना हमने इंडस्ट्रियल बेल्ट का कुछ काम किया, वहाँ से फिर हम आ गए यहाँ पर, हमने अपना एक फर्नीचर उद्योग मैंने लगाया। तो ये था क्या कि हमेशा जो है दान वगैरह, लड़कियों का शादी वगैरह करवाना, ये सब जो है हमारे मतलब सिस्टम में था। तो हमारे गाँव के लोगों ने कहा कि भाई आप ऐसा करिए, हमारे वहाँ के आप प्रधान रहिए। तो उस समय एक तरह से सम्मान के चलिए कि मतलब निर्विरोध में प्रधान रहा। उसके बाद से वहीं से हमारी शुरू हुई है ये राजनीतिक सिस्टम। फिर मैं लोकसभा जो चुनाव हुआ है उसमें हम टिकट मांगने के लिए समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी से हमने आग्रह किया, तो टिकट लगभग हमारा तय हो गया, लेकिन लास्ट पीरियड में हमारा टिकट कट गया। उसके बाद से फिर हम चले आए, बीच में ये प्रधान के जब चुनाव होने लगा तो गांव के लोग 400-500 लोग यहाँ आए और ज़बरदस्ती जो है हमको एक नहीं आप प्रधान रहिए, लेकिन हमें अचानक हमारे पास चूँकि समय नहीं है, काम ज़्यादा है, तो हम नहीं रह पाए। अब जो है 2022 के लिए जो है विधानसभा सिसवा से टिकट के लिए मैंने आग्रह किया है। ये तो मतलब टिकट के लिए आपने विधानसभा से आग्रह किया, आप लोकसभा के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन एक सैनिक जब राजनीतिक क्षेत्र में आता है तो किस तरह की चुनौतियां मिलती हैं और किस तरह से वो काम करता है? कहा जाता है ना कि सैनिक जो है सबसे ज़्यादा व्यवस्थित, नियम के साथ पक्का, अपने रूटीन के साथ पक्का और ढेर सारे इरादों के पक्के होते हैं। तो एक पूर्व सैनिक के तौर पर राजनीतिक दौर कैसा रहा 5 साल की प्रधानी का आपका? प्रधानी का तो खैर मैं बहुत ज़्यादा वहाँ मैं जाता नहीं था, चूँकि हमने दो ये रखे थे प्रतिनिधि मैंने रखा था और ज़्यादातर जैसे काम वगैरह मैं यहीं से जो है वो कह करके ये करवा लेते थे और प्रतिनिधि हमारे लोग देखते थे। कहीं ज़रूरत पड़ती थी जैसे फंड वगैरह का तो हम कुछ अपने पास से भी पैसा, जैसे लड़कियों का मेन मेरा काम है कि हमारे बालक जो है रहते हैं वहाँ लुधियाना में, तो मेन मेरा काम उद्देश्य उनका ये है कि पापा आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और बहुत काम किए हैं और बहुत नीचे से मैं ऊपर आया हूँ, तो बोले कि आप कोई गलत ये पैसे वैसे का जो है सिस्टम हमारे पास ना लाइएगा और 2-4 लाख रुपए जैसे साल का आप जो है दान में जो है करिए। तो मैं मेरा मेन ये सब सिस्टम में है और बच्चियों के शादी उदी में जो है जैसे फर्नीचर वगैरह गरीब बच्चियों को दे देना, जैसे अभी मान लीजिए गाँव पर जो है क्या है जिसे जो अंतिम संस्कार के लिए 5-6 क्विंटल लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है तो तत्काल में मान लीजिए 3-4 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो जाता है लोगों को, तो मैं देता हूँ। वो किसी का भी कोई ऐसा नहीं है, कोई अगल बगल के गांव वाले भी हैं
वो भी लेकर के जाते हैं। तो इसे धीरे 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 इस तरह से जो है अब होने लगा फिर राजनीति में जो है। तो अखिलेश यादव जी को लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा जो है ये एक्टिव आदमी हैं और ईमानदार हैं, तो उन्होंने जब हम गए तो हमारी बात को उन्होंने सुना और कुछ लोगों ने उनसे कहा भी। तो अभी इसके लिए मैंने ये किया है, आवेदन किया है और जहाँ तक है कि मतलब टिकट भी हमारी पक्की है। तो समाजवादी पार्टी से आप विधानसभा 317 जिसको सिसवा विधानसभा कहते हैं वहाँ वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं, और क्षेत्र में जब घूमते होंगे तो ढेर सारी समस्याएं भी आपको दिखती होंगी, जनता आपसे शिकायतें करती होंगी, तो प्रमुख कौन कौन सी समस्याएं हैं आपके विधानसभा की? हमारे वहाँ समस्याएं जो है एक्चुअली में सही देखा जाए तो एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो विधायक लोग हैं उनकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कुछ टाइम के लिए, जैसे फौज में जाएं वहाँ देखें कैसे लोग रहते हैं कैसे क्या करते हैं। यहाँ तो ये समस्या तो उनकी ही पूरी होती है, जो विधायक लोग हैं वो अपनी ही समस्या लोग पूरा करते हैं, जनता की समस्या तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है। और जब से भाजपा सरकार आई है तो और ही मतलब कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब जहाँ पहले तो क्या था कि सही काम के लिए जो है हमको जो है पैसा नहीं देना होता था, और आज के टाइम में आप किसी भी मतलब थाने में चले जाइए, किसी भी कचहरी में चले जाइए, कहीं तहसील में चले जाइए तो सही काम के लिए लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। कंडीशन बहुत ख़राब है और ये व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ना ही तो कोई विकास नाम का कोई जो है विकास तो कुछ है ही नहीं है। अभी समय तो मैं सुन रहा हूँ कि मतलब ये 5 किलो राशन मिल रहे हैं, मान लीजिए चलिए 50-60-70 रुपये का राशन है, और पता नहीं 60-70 रुपये का जो है बैग भी है, तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी। यदि उसी की जगह पर 5 किलो की जगह पर 10 किलो राशन दे देते तो ये जो है विकास तो कुछ हुआ नहीं है। हम चाह रहे हैं कि मतलब जिसे हम यहाँ से यदि आ जाएँ तो फिर एक जिसे हमने प्रधानी जो किया 5 साल, एक हमने अपने ब्लॉक का नज़ीर बनाया, प्रधानी में मैंने एक नज़ीर बनाया, वैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये 317 विधानसभा सिसवा से एक नज़ीर बनाएं। और उसके बाद बहुत ज़्यादा दिन तक हमको ये नहीं करना है, बस एक टाइम जो है हम जो है विधायक में रहना चाहता हूँ, और वो नज़ीर बना करके कि मतलब इस तरह से विधायक की ये ड्यूटी है, ये काम है, सिर्फ अपना जो है ये जेब भरना ही ये ड्यूटी नहीं है, ये पब्लिक के बीच में क्या ज़रूरत है। हमने अपने वहाँ जितने भी रोड पानी हमने देखा कि हमारे वहाँ क्या था, जो गरीब वर्ग के लोग हैं तो पैसा से पानी नहीं खरीद पाते थे, पानी हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं तो वो क्या है गाड़ियाँ दो दो तीन तीन गाड़ियाँ आती थी पानी आ करके जो है ये गांव में मतलब लोग लेते थे उसको, लेकिन जो गरीब लोग थे तो गरीब लोगों के लिए इतनी समस्या थी कि वो पानी आर ओ को नहीं ले पाते थे। तो हमने एक बड़ी अपने फंड से एक बड़ी आर ओ प्लांट लगाया, और गांव में आज भी 1 रुपया जो है वो नहीं लिया जाता है, और जो शादी ब्याह जिसकी होती है वो अपना फ्री ऑफ कास्ट वहाँ से पानी ले जाता है, और बाकी पीने वाले यहाँ तक है कि एक मैंने वहाँ ये धर्मशाला मैंने बनवाया है, क्योंकि जो स्कूल था तो जो बड़े बड़े जिसे जिनकी शादियां हैं जो लोग हैं तो उनके लिए वो टीचर जो थे वहाँ हेडमास्टर तो वो उनको चाबी उनके घर पर लेकर देते थे, और जो छोटे वर्ग के जिसकी शादियां होती थी तो इसके लिए जो है वो मांगते थे तो बोलते नहीं तुम लोग बहुत गंदगी करते हो, तुम लोग ये कर देते हो वो कर देते हो, नहीं ऐसा कुछ वो करते नहीं थे। तो मैंने उनको देखते हुए जो गरीबों के लिए जो हमने काम किया पाला कि सड़क काफ़ी जो है हमने बनवाया 1900-1950 मीटर हमने इंटरलॉकिंग करवाया, उसके बाद से उनके लिए मैंने एक धर्मशाला बनवाया कि शादी ब्याह कोई भी आदमी जाए 24 घंटा वो खुला रहता है, कोई भी अपना शादी ब्याह करता वहाँ मैंने एक स्टेज बनवा दिया ताकि जो है वहाँ कोई प्रोग्राम वगैरह लोग करते हैं तो करते रहें, आर ओ प्लांट वहीं पर हमने लगवा दिया, लोग वहाँ से पानी पीते रहते हैं। तो इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि मतलब अपने विधानसभा में जहाँ जहाँ जो जो परेशानियाँ मेरे को दिखेंगी, सड़क के दिखेंगी सड़क का काम करवाऊँगा, पानी का दिखेंगे तो पानी काम करवाऊँगा, बिजली का दिखेंगे तो बिजली काम करवाऊँगा। अब मानेंगे नहीं, हमारे वहाँ एक ट्रांसफार्मर, इतनी बड़ी गांव है और एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था वो भी 63 का,
और 300 कुछ कनेक्शन हमारे गांव में है। अब देखिए 63 का ट्रांसफार्मर वो 10 दिन चलता था और मतलब इतनी लो वोल्टेज का उसी मतलब वो था, अपने पास से कोई फंड कहीं से नहीं लगाया, अपने पास से हमने 1.5 लाख रुपया लगाया, एक ट्रांसफार्मर लगवाया और लगवा करके ये जो है आधे गांव का बिजली जो है दूसरे ट्रांसफार्मर से किया। फिर मैंने आग्रह किया ये एक्सियन साहब से, फिर एक और ट्रांसफार्मर लगवाया और लगवा करके तो हमने अपने गांव को 3 हिस्से में बिजली को बांट दिया। अब देखिए 1900 मीटर हमने इंटरलॉकिंग करवाया, 550 मीटर जो अंडरग्राउंड नाली करवाया, उसके बाद से एक ट्रांसफार्मर के जगह पर 2 ट्रांसफार्मर मैंने और लगवाया, उसके बाद से शादी वगैरह के लिए जो है प्रॉब्लम होती थी तो वहाँ मैंने अपने पैसे से जो है धर्मशाला बनवाया शादी के लिए, पानी के लिए प्रॉब्लम होती थी तो हमने पानी के लिए जो है आरओ प्लांट बड़ी लगवा दिया 2.25 लाख रुपया लगा करके। तो हम बिजली पानी सड़क ये तीनों पर हमने जो है ये किया। उसके बाद से चौथा काम ये होता है कि कोई भी गरीब लड़कियों का शादी होता है तो हमारा अनुदान कुछ ना कुछ उनके पास जाता है, जो फर्नीचर के लायक हैं कि मतलब फर्नीचर नहीं दे सकते तो उनको फर्नीचर देते हैं, जो पैसे के ये है तो उनको पैसे देते हैं। तो इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि हर जगह जो अपने विधानसभा में सुविधाएँ दें, हमें पैसे से कोई वो नहीं है, पैसे बहुत कमाते हैं हम लोग, हमारे बालक जो है 90 करोड़ का रिटर्न फाइल करते हैं, एक साल का जो है 90 करोड़ का रिटर्न फाइल करते हैं। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो है हमें उन हमारे बालक को जो है प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है जो कि 6.25 करोड़ रुपया जो है वो GST जो है वो एक साल में वो पे किए हैं। तो पैसे का जो बहुत गरीबी से हम लोग गुजरे हैं और यहाँ तक आ गए वो अपने मेहनत से, लेकिन ये हराम मतलब गलत पैसा जो है नहीं तो हम यूज करना चाहते हैं नहीं तो हमारे बालक यूज करना। वर्तमान समय में युवाओं के समक्ष सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। ढेर सारे आवाज़ आपकी पार्टी के लोग विपक्ष के दल के लोग उठाते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, नौकरियों में भ्रष्टाचार है, और सरकार कहती है कि हमने जो किया है आज तक वो किसी सरकार ने नहीं किया है। इसकी तरफ कितना ध्यान है और महाराजगंज में कितना पोटेंशियल है जिसमें उद्योग और बाकी सब कुछ स्थापित किया जा सकता है? नहीं, वो जो है यहाँ देखिए, यहाँ हम एक फेविकोल का प्लांट लगा रहे थे, हमने सोचा कि हमने आग्रह किया, उस समय उपाध्याय जी थे DM साहब, तो हमने आग्रह किया, मैं बोला सर देखिए इसको ये करना, हम 1000 लोगों को रोज़गार देंगे यहाँ और रोज़गार की यहाँ कमी है। फिर भी देखिए हम लुधियाना में हमने 1700 लोगों को रोज़गार दिया है और मैक्सिमम जो है ज़्यादातर जो है इसी ज़िले से हैं, करीब 800 लगभग इसी ज़िले के लड़के हैं वहाँ पर काम करते हैं हमारे पास, और यहाँ भी हमने 200 लड़कों का रोज़गार दिया है। फेविकोल प्लांट में लगा रहा था, खाली बिजली के वजह से कमी की वजह से जो है हमने नहीं लगाया, फिर ट्रांसफ़र कर दिया लुधियाना। और रोज़गार जो ये सरकार बोल रही है तो रोज़गार दिया अभी, अब तो सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ पेपर में किसी दिन 25 लाख का रोज़गार निकल रहा है, किसी दिन जो है 30 लाख नौकरियाँ हैं। अब शर्म आनी चाहिए कि एक छः ये डोम का जो है वैकेंसी निकली और उस पर जो है 8000 लोग जो है आवेदन किए, और उसमें जो है इंजीनियर रैंक के लोग, बाकी जो है या इतना ग्रेजुएशन किए हुए लोग, कई कई हज़ार। सोशल मीडिया पे हमने भी देखा था, वो मामला जो है वो कोलकाता का है और बेरोजगारी का दौर है। सवाल ये है कि महाराजगंज जनपद में कितना पोटेंशियल है, किस तरह के उद्योग, जैसे एक जनपद एक उत्पाद, ऐसे ढेर सारी स्कीम गवर्नमेंट चलाती है, कितना जमीनों तक पहुंचता है? नहीं, जमीनी तक कुछ नहीं पहुंचा। एक देखिए, अब ये कोई कह दे ऐसे अपने मर्जी से कह देता तो चलिए ठीक है, वो तो अच्छी बात है, वो कह रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत तक हमसे बेटर कोई इस ज़िले में नहीं जानता होगा। ODOP में हमारा जो है ये फर्म ये है, हमारा जो फर्म है वो ODOP में इस ज़िले का, जो हम ये फर्नीचर में जो है हमने प्राइज लिया हुआ स्टेट से और ODOP में हमारा चयनित हुआ ये फर्म है, एक जनपद एक उत्पाद में जो है हमारा ये गुडविल फर्नीचर जो है ये चयनित हुआ है। और आज तक यदि कोई मतलब 1 रुपये का जो है कोई लाभ जो है, हाँ लाभ मिली थी
20 लाख रुपया हमें मतलब हमने ये किया था गवर्नमेंट से, वो अखिलेश यादव के गवर्नमेंट सरकार में। जब अखिलेश यादव की जब सरकार रही तो उस समय जिला उद्योग से जो हमने वो ये किया था तो उसमें सब्सिडी 6-7 लाख रुपया मिला था। तो उसमें अभी यदि ये लगाते हैं ये लोग देते हैं तो उसे नहीं है कि सरकार के नुकसान है, ये तो हमने पहले भी बताया था, लखनऊ में भी बताया था। लखनऊ में जब ये था तो बार बार जो है ये उद्योग मिनिस्टर जो है बोल रहे थे कि हमने ये दिया हमने वो दिया। हमने बोला सर दिया तो उस चीज़ को आपने हमको 7 लाख रुपया दिया, 7 लाख रुपया हमको उन्होंने दिया था जो सब्सिडी के रूप में, और उस समय तक हमने 2,24,00,000 रुपया जो है हमने उनको ये कर दिया था। तो मैं बोला ये तो बिजनेस है, आप आज देंगे हमको सब्सिडी के रूप में तो हम टैक्स अब हर महीने का तो हम 4,00,000, 3,00,000, 5,00,000 जो टैक्स देते हैं सर्विस सेल टैक्स, अब गवर्नमेंट से तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, एक जनपद एक उत्पाद में नहीं मिला। ODOP में जब ये कह रहे थे ODOP में जितने लोग फार्म भरे हैं बस कोई जिला उद्योग से ये किया बैंक तक आया, किसी का बैंक तक नहीं आया, जिला उद्योग में रह गया किसी का बैंक, बहुत कम जो फाइल, वो भी दौड़ते 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 DM साहब भी हर मीटिंग में कहते रहे कि भाई हाँ भाई स्टेट बैंक खड़े हो जाइए, यूनियन बैंक खड़े हो जाइए, क्यों नहीं आपने फाइल किया। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अड़ंगा जो है बैंक लगा देती है। डायरेक्ट यदि जिला उद्योग को पावर दिया जाए कि इस फर्म को आप ऐसे ऐसे इतना दीजिए उससे इतना लीजिए तो बेटर है, और बैंक में बीच में ऐसा इतना स्टेज लगा देते हैं कि लोग दौड़ते दौड़ते और नहीं क्या करते हैं अपना जो है 100-200 रुपये का अपना जूता भी या चप्पली भी घिस देते हैं और कुछ उनको मिलता है नहीं। ये तो सिर्फ कहने की बात है कि भाई ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब धरातल पर नहीं है। आने वाला 2022 का विधानसभा चुनाव सिसवा विधानसभा में किस मुद्दे को लेकर लड़ा जाएगा और क्या तैयारियां हैं आपकी विधानसभा चुनाव को? पहले तो जो ये हम यदि हो जाएंगे ना जब विधायक तो सबसे पहले जो ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है इसको जैसे फौजिक तरह है उसको करेंगे, टाइट करेंगे उसको। और हम ये कह रहे हैं, हम पहले भी कहे थे और आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे कि यदि किसी को यदि ये इसमें आते हैं यदि सिस्टम में लोग आते हैं विधायक बनने के लिए तो उनको कुछ टाइम फौज में उनको ट्रेंड किया जाए, थोड़ा वहाँ ईमानदारी सिखाया जाए। तो खुद ही जो सारे लोग ऐसे ही हैं बस एक ही तरह है अपना चल रहा है, और जहाँ सबसे पहले तो ये भ्रष्टाचार जो है ख़त्म करेंगे, उसके बाद से सड़क बिजली और पानी इन तीनों पर जो है हम ज़्यादा ध्यान देंगे जो कि मूल रूप से यही जो है, और रोज़गार जो है रोज़गार के लिए चलिए ठीक है हमारे लेवल की बात नहीं होगी चूँकि रोज़गार जो है स्टेट गवर्नमेंट अब हमारे अखिलेश यादव जी जो है वो कितना पहले जिस तरह से अभी वो तो कह ही रहे हैं अपने तमाम घोषणा पत्र में भी कहा और भी कहे कि भाई अभी बोल रहे थे कि 12 घंटे के अंदर जो है जितने जो रोज़गार वो दिए थे अखिलेश यादव जी वो रोज़गार इन्होंने छीना है। रोज़गार दिया कहाँ है? जो ये टीचर हुए थे शिक्षा मित्र वाले, तो शिक्षा मित्र जो हुए थे तो उनको तुरंत तत्काल उन्होंने वो ख़त्म हो, जब वो 40,000 रुपये देते थे आइए तुरंत जो है ख़त्म कर दिए। वो बेचारे कितनी लाठियां खाए, कितने जो है पानी बौछारें पड़े, हाई कोर्ट गए सुप्रीम कोर्ट गए और लास्ट में रिजल्ट क्या निकला कि ठीक है जी 10,000 पर नौकरी करना है तो करो अन्यथा जो है अब जाओ। तो वो चीज़ पहले उन्होंने कहा है कि हम 12 घंटे के अंदर उनको जो है सहायक अध्यापक के इस पर हम वो करेंगे। तो रोज़गार तो देंगे ही देंगे क्योंकि पहले भी बहुत कुछ दिए थे, बहुत कुछ किए थे। आप कभी गए हैं वो जो आगरा एक्सप्रेस वे पर? हाँ, हम गारंटी लेते हैं आप यदि आगरा एक्सप्रेस वे पर आप जाएंगे ना जब तो आप एक वोट, हम पहली बार जो है सही बताऊं मैं आपसे सच्चाई बार बता रहा हूं, मैं फौजी हूं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हम लुधियाना से आ रहे थे गाड़ी से तो हम पहली बार चढ़े थे जब आगरा एक्सप्रेस वे पर तो उस समय मेरा मतलब बहुत पहले की बात है, लेकिन जब आगरा एक्सप्रेस वे पर चढ़ा तो मैंने कहा लेकिन एक वोट ये हमारा आपके नाम रहेगा, और उसके बाद से वोट सही बताऊं कि वोट देने के लिए हम लुधियाना से यहाँ आए और यहाँ आ करके हमने वोट दिया और दे करके जो है लुधियाना गए। और पहले से थोड़ा सा प्रेम रहा है जैसे समाजवादी पार्टी से जो नेताजी जो हैं जब फाइनेंस डिफेंस मिनिस्टर थे तो उस समय डिफेंस के लिए जो उन्होंने किया था
वो हमको लगता है कि उसके पहले कोई किया नहीं और ना ही तो उसके बाद शायद कोई कर सकता है, हो सकता है कोई कर दे लेकिन हमें संभव नहीं है। सेवन पे कमीशन जब लागू हुआ था, जितनी भी वहाँ जब श्रीनगर में वो गए हुए थे, हमने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया हुआ था श्रीनगर में, श्रीनगर में हम नौकरी किए हुए हैं, तो श्रीनगर में जब ये गए थे तो मैंने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। और वहाँ के जो लंगर की स्थिति है, जो यदि कहीं कोई नर्क है ज़मीन पर कोई देखना चाहता है तो आप ग्लेशियर चले जाइए, श्रीनगर चले जाइए, वहाँ जब देखेंगे फौजियों की ज़िंदगी जो है क्या है, तो लगेगा कि वाकई में ये सब नर्क में ही जी रहे हैं। वहाँ की मतलब इतनी दयनीय स्थिति है कि अपना यदि हम शुरू करते हैं तो वो जो है वो बर्फ बनता जाता है। अब उसके बाद से कोई खाने का, कोई लंगर का, कोई वो चीज़ नहीं, मतलब इतनी कंडीशन वहाँ ख़राब है। तो ये उस समय सारे जो है जितने भी लंगर थे, जो खाना बनता है उसको लंगर बोलते हैं, होटल नहीं बोलते हैं, तो जितने भी वो थे सब लोग देखे, ये देख लिए कि मतलब लोग नीचे ज़मीन पर बैठ के खा रहे हैं, बर्फ़ पर बैठ के खा रहे हैं, तो इनको बड़ा वो लगा। तो सारे जितने भी श्रीनगर क्षेत्र में जितना भी जो है बना हुआ लंगर, तो सारा उन्होंने एकदम बिल्कुल जैसे 5-स्टार होटल की तरह बनवाया, डाइनिंग हॉल सारे लगवाए वो। उसके बाद से सेवन पे कमीशन के लिए उन्होंने जब पैरवी किया तो वो जितना पैरवी किए थे उसके 45% ही गवर्नमेंट बढ़ाई है। बाद में जब वो सरकार उतर गई, कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उसके बाद से वो 45% ही वो सिर्फ बढ़ाई पे कमीशन में। तो उस समय जब मैं रिटायरमेंट हुआ था तो 3600 रुपया मेरा जो है उस समय पेमेंट रहा करता था, 2003 की बात मैं बता रहा हूँ, और 1600 कुछ रुपया जो है हमारा पेंशन था। आज जिन लोगों का मतलब 4000 3000 5000 जो पेमेंट था, तो जिसका 4000 पेमेंट था तो वो पे कमीशन 45% ही लागू किए, उसके बावजूद भी उनका पेमेंट 22000-24000 हुआ था। तो ये सब किया कराया जो है एक्चुअली में नेताजी का था, उनका सोच बहुत लंबी है, बहुत ऊंची सोच है, तो इसलिए हम उनसे प्रभावित होकर के एक तो हमने विकास देखा, नौकरी भी माननीय अखिलेश यादव जी जो है काफ़ी जो है उन्होंने ये किए, और रोड सड़क का भी जो है उन्होंने बहुत अभी बता रहे हैं, मतलब जितना भी है ये तो खाली फीता ही तो काट रहे हैं, जो ज़िले से ज़िले को 4 लेन से और तहसील को तहसील से 2 लेन से सारा ये किया हुआ जो है ये अखिलेश यादव जी का पैसा दिया हुआ है, और एक सिक्का भी कहीं इनका बाकी है उस समय का तो ये बताएं। अभी तक जो है ये देखिए गोरखपुर से जो महाराजगंज जो हो रहा जो 4 लेन बन रहा है, तो पड़तावल से 2 लेन कर दिए और पड़तावल से गोरखपुर तक 4 लेन किए, अभी आज तक वो जो है उनका जो पैसा दिया हुआ आज तक वो नहीं हो पाया। आज तक अभी देखिए कई जगह बाकी है ना काम, लेकिन वो पैसा जो है ये भाजपा गवर्नमेंट की नहीं है, वो पैसा जो है अखिलेश यादव जी का ही दिया हुआ है और वो अभी तक काम नहीं हो पाया। तो उन्होंने विकास के नाम पर तो उनके बराबर में हमको नहीं लगता है, और सही बात है कि उस तरह का उतना मतलब सोच का जो है जैसे 1090 उन्होंने चलाया, 100 नंबर चलाया, डायल 100 जो है और उसके बाद से एम्बुलेंस जो है चलाया, तो वो जो है और उसके बाद से कोई एक एम्बुलेंस तक नहीं आया, वही एम्बुलेंस जो है मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, कोई ससुरा या पड़तावल में खड़े रहता है तब तो कोई पता चलता है कि ये सिंदुरिया में खड़ा हो गया, तो कोई जो है शिकारपुर में खड़ा है, आ कोई इधर जो है आप जाके देखिए ना इधर जो है इसमें ये क्या नाम है हॉस्पिटल में 7-8 एम्बुलेंस है जैसे वो कबाड़ा, अरे मेंटेनेंस उस उनका किया हुआ खाली मेंटेनेंस हो जाए वही बहुत है। भी तो इतनी सारी जानकारी थी विधानसभा क्षेत्र में जो भी काम होगा, आपने इतना लंबा समय दिया, बात की अपनी योजनाओं के बारे में बताया, उम्मीद करेंगे कि आगे के समय में भी ढेर सारी योजनाओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और पार्टी के एजेंडे के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए बस इतना ही, कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, आप इनके विचारों से कितने सहमत हैं? एक सैनिक, एक प्रधान और अब एक विधायक की दौड़ में चल रहे गौरीशंकर गुप्ता जी के विचारों से आप कितने सहमत हैं ये आप हम तक पहुंचाएं। जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के इस जॉइंट एडवेंचर को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें।
धन्यवाद।